होगा, आप लोग सभा का वीडियो देख चुके होंगे, आपको अपडेट मिल चुका होगा कि क्या हुआ है. शी स्टेइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रेव. सनी इज़ देयर विद हर. वो बहुत स्ट्रॉन्गली इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं. एंड आई थिंक जैसे सभा और सनी ने भी अपने वीडियो में कहा है, और शोएब और मैं तो हमेशा कहते हैं कि जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वही होगा और वही हुआ. सो हम कई सारी लेडीज़ इस फेज से गुजरी हैं, मैं भी गुजरी हूँ, आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था. सो यस, लेकिन उस टाइम पे जो इमोशनल आपको हर्ट होता है, जो तकलीफ़ होती है, जो बुरा लगता है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता. लेकिन हम हिम्मत रख सकते हैं कि इसके आगे सब कुछ अच्छा होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा. और ये हिम्मत रख सकते हैं जो भी हुआ है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुआ है. सो बस हर कोई अपनी कोशिश तो करता है. उसने भी बिचारी ने पूरा रेस्ट किया, पूरे प्रिकॉशंस लिए, सारी दवाइयाँ अच्छी. सनी पूरा वक्त उसके साथ था, उसका बहुत ख्याल रख रहा था. अम्मी, दोनों खाला, सारे बच्चे पूरा वक्त सब अपनी के पास, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना, ये वो शोर पर बिजी रहते थे. मैं इतना ज़्यादा इस बार नहीं उसके लिए अवेलेबल रह पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ ऑल्सो. थोड़ा बहुत जो मैं कर पाती थी वो भी. सो ऑब्वियसली एवरीबडी वॉज कंसर्न एंड एवरीबडी वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर. लेकिन कोई बात नहीं, इस बात की तसल्ली है कि सभा ठीक है. एंड आप लोग उसे प्लीज़ बहुत सारी और हिम्मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हिम्मत देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ये आप जानते हैं. एंड बस अब उसे जल्दी जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ की रूटीन में वापस आना है, विच आई एम श्योर वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का सपोर्ट है उसके साथ, सनी का सपोर्ट है उसके साथ. सो शी विल बी फाइन सून. एंड टॉकिंग अबाउट मी, आई एम डूइंग वेल. लथार्जिक बहुत ज़्यादा होने लगी हूँ पिछले कुछ दिनों में. आई थिंक वो मेरे फेस पे भी आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा. तो बहुत दिन भर में बहुत नींद आती है, बहुत रेस्ट करती हूँ. लेकिन जैसे कि मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि एक्टिव रहना भी ज़रूरी है इस फेज में, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में. तो खाने का भी अच्छे से ध्यान रख रही हूँ एंड आराम कर लेती हूँ. जैसे आज मुझे पता है कि इम्पॉर्टेंट काम है, मुझे निकलना है, क्योंकि अभी डेडलाइन बहुत नज़दीक आ रही है घर रेडी करने की. तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ डिम्पल के साथ. मुझे सैनिटरी वेयर एंड टैप्स फाइनल करने हैं, यानी वॉश बेसिन, WC वगैरह सब कुछ, हर बाथरूम का. फिर मुझे लाइट्स फाइनल करनी हैं. आज शोएब शूट पे, उनकी छुट्टी नहीं है तो मैं ही जा रही हूँ सिर्फ. एंड आशु आई हुई है, उससे भी आप लोगों की अब तक मुलाकात नहीं हुई है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में वो माइंड फ्रेम नहीं था कि हम लोग कोई भी ब्लॉग बनाएं या वीडियो बनाएं. सो आज आपसे उसकी मुलाकात होगी, क्योंकि फ़िलहाल वो गई हुई है मलिहा के पास, वहाँ से वो आ जाएगी मेरे पास. एंड देन फिर हम साथ में मिल के जो है जितना भी हो सके फाइनलाइज़ करते हैं. मम्मी के घर की शिफ्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है एंड काफ़ी कुछ उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, तो बस अब कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह मम्मी भी शिफ्ट कर लेंगी. दैट्स अबाउट इट. सो चलिए चलते हैं. आज बगल के घर की प्रोग्रेस कहाँ तक है, क्या है, POP वगैरह हो गया है, फॉल सीलिंग वगैरह लग गई है, आज वक्त मिला तो आज, वरना कल मैं डेफिनेटली आपको बगल के घर का एक अपडेट दूंगी कि काम कहाँ तक पहुँचा है. एंड बस